बच्चों, आज हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में लाइंस पढ़ेंगे और इससे पहले भी एक सेशन हम लाइंस का कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, उसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको भी देख के आइए, तो इसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पिछले सेशन में हमने दो तरह की लाइन इक्वेशंस को समझने की कोशिश की थी। वो इस टाइप की थी, जनरल लाइन इक्वेशन जो होती है AX BX प्लस सी, इस टाइप का कोई भी अगर इक्वेशन है तो बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। और एक इक्वेशन हमने ये वाली डिराइव भी की थी और इसका पूरा मतलब भी समझाया था, जहाँ पे सी जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, एम इज स्लोप ऑफ द लाइन, एंड देन हमने लाइन के बीच का जो दो लाइन के बीच में क्या एंगल होता है वो भी हमने फार्मूला डिराइव किया था। आज हम जो है लाइन की इक्वेशंस के और कुछ फॉर्म देखेंगे। तो उसमें पहला हम देखते हैं कि एक फॉर्म आपका लेते हैं इस तरह से, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो फर्स्ट जो हम फॉर्म लाइन का ले रहे हैं वो इस टाइप का है कि अगर कोई लाइन ऐसी है जिसका आपको स्लोप दिया है, स्लोप इज एम एंड देर इज ए पॉइंट पी, वन पॉइंट इज गिवन, पॉइंट की वैल्यू दे रखी है X1 एंड Y1, देन व्हाट वुड बी इस इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट और कंसिडर करेंगे, सपोज कीजिए XY, जो वो जनरल पॉइंट होगा। ये तो पॉइंट X1 Y1 उन्होंने फिक्स दे रखा है, एक वेरिएबल पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। एंड देन अगर इसमें हम कुछ इस तरह का ड्रा करें, क्या ड्रा करें, एक ये इस तरह से लाइन खींचें, एक इस तरह से लाइन खींचें, फिर एक इस तरह से लाइन खींचें, ठीक है। ये एंगल अगर टेन थीटा है तो ये भी एंगल बेसिकली थीटा ही होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, एंगल थीटा ये थीटा है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, यहां तक की डिस्टेंस वाई है, ये X1 Y1 है, तो ये Y1 डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई वाई माइनस Y1। ये तो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंगल में ये डिस्टेंस वाई माइनस Y1 हो गई, एंड ये डिस्टेंस क्या हो गई, यहां तक की डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि ये एक्स वाई पॉइंट पे है, वहां से हमने परपेंडिकुलर डाला है, और इसकी X1 Y1 है, तो ये क्या हो गई, X माइनस X1 होगा डिस्टेंस। अब अगर इस ट्रेंगल में हम बात करें, इस ट्रेंगल में बात करें तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा उसमें क्या लिखेंगे, टेन थीटा वुड बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर की आपको वैल्यू पता है, ये निकाला है वाई माइनस Y1, बेस हमने क्या निकाला है, एक्स माइनस X1, एक्स माइनस X1, एंड यही आपका बेसिकली स्लोप हो जाता है, यही आपका स्लोप हो जाता है। तो दिया क्या था, कि स्लोप दिया था, दो पॉइंट दिए थे, ये अब हमने खाली इसको एम लिख लिया, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, वाई माइनस Y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस X1। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हो, दो पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो लाइन का इक्वेशन आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। एक तो लाइन का फॉर्म हमने ये बता दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा लाइन का फॉर्म, दूसरा लाइन का फॉर्म हम बताते हैं, अगर ऐसा कोई हो कि दो पॉइंट दिए हो, X1 Y1 दे रखा है एंड X2 Y2, किसी लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे। यहां पे था कि एक पॉइंट दे रखा था, अब यहां पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो फिर से देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब इसमें दो पॉइंट हैं, X1 Y1 X2 Y2, तो ये पॉइंट सपोज कीजिए ये X1 Y1 है, एक पॉइंट यहां पे हमने ले लिया X2 Y2, ठीक है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा हम ये परपेंडिकुलर लगाया, हमने ये परपेंडिकुलर लगाया, फिर ऐसा कर लिया, ओके।
अब देखिए यहां पे ये डिस्टेंस क्या है, उसी तरह से पहले की तरफ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई टू, ये पूरी यहां से लेके यहां डिस्टेंस सब वाई टू है, यहां से लेके यहां तक वाई वन है, तो ये होगी वाई टू माइनस वाई वन। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होगी एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा एम टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, जिसको एम बोल सकते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो बेसिकली लाइन का आपको स्लोप मिल गया, लाइन का अगर स्लोप मिल गया तो फिर लाइन की इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन, ये हो गया वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। इसमें इनफैक्ट वाई माइनस वाई टू भी हो सकता है, एक्स माइनस एक्स टू भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट तो कोई भी आप ले सकते हो ना, फिर फिक्स पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वेशन फिक्स पॉइंट के लिए थी। एक बार आपको स्लोप मिल गया तो आप यहां पे तो वाई टू भी ले सकते हो, यहां पे एक्स टू भी ले सकते हो, तो इक्वेशन बेसिकली सेम ही रहेगी अगर आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये दूसरा फॉर्म हुआ, जो फॉर्म था कि दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब देखते हैं और चलते हैं थर्ड टाइप का, इनफैक्ट नेक्स्ट चीज कर लेते हैं। तो थर्ड टाइप की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन क्या पॉसिबल है, अगर ये दिया हो कि एक्स एक्सिस पे लाइन का इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज बी, अगर ये दिया है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए कुछ इस टाइप की लाइन हुई ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये है और ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये है। इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इसमें भी एक जनरल पॉइंट, हम कोई भी एक जनरल पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई ले लेते हैं, इज नॉट फिक्स पॉइंट एनी पॉइंट। अब देखते हैं, अब अगर इसको हम इससे मिला दें ऐसे, ठीक है, और जरा इसको लिख देते हैं ओ, ये ए, ये बी, ये पॉइंट पी लिख लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इसमें ये करेंगे, इस ट्रेंगिल का जो एरिया है दिस वुड बी इक्वल टू दिस ट्रेंगिल एरिया एंड दिस ट्रेंगिल एरिया, ये ट्रेंगिल और ये ट्रेंगिल का एरिया ऐड कर दोगे तो पूरे ट्रेंगिल का एरिया आ जाएगा। तो वो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रेंगिल ओ ए बी वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगिल ओ ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगिल ओ पी बी, ओ पी बी, वो ए बी का पूरे का एरिया क्या है, ये बी साइड पता है, ये ए पता है, तो ए इंटू बी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, तो ये तो हो गया ए इंटू बी डिवाइडेड बाई टू। हम ओ ए पी, ओ ए पी, ये छोटे ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, इसमें देखिए ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये हाइट क्या है, दिस हाइट इज वाई एंड ये बेस पता है, बेस का पता है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू वाई डिवाइडेड बाई टू। इसी तरह इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, आपको ये पता है, ये पता है, दिस इज एक्स, तो ये बेस, इसके केस में बेस ये हो गया, इसकी हाइट एक्स हो गई, तो इसका एरिया क्या हो गया, बी एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स, ए बी से पूरे को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा वाई अपान बी प्लस एक्स अपान ए, और इसको थोड़ा हम इस तरह से अगर लिख दें वापस, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू वन, एक ये इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया जहां पे आपको इंटरसेप्ट पता है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट इक्वेशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन। अब अगला एक कॉन्सेप्ट लाते हैं लाइन की इक्वेशन का, जहां पे ये आज का फोर्थ फोर्थ टाइप की लाइन की इक्वेशन है,
लाइन की इक्वेशन क्या है, इसमें क्या दे रखा है, अगर ऐसा ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, इस पे क्या दे रखा है कि अगर कोई लाइन ऐसी, कोई भी लाइन ऐसी है और उस पे अगर O ओरिजिन से परपेंडिकुलर P डालो, परपेंडिकुलर डालो जिसकी लेंथ सपोज कीजिए P है और ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पता लगाना है। आपको दिया क्या है, आपको ये लेंथ दे रखी है P और ये एंगल अल्फा दे रखा है और बस इसके अलावा इसका कुछ दे रखा है, तो इसमें लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें भी हमेशा की तरह हम एक और जनरल पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई लेंगे, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में कोई तो जनरल पॉइंट होगा ही जिसके बेसिस पे आप इक्वेशन निकाल रहे हो, जो वेरिएबल है बेसिकली फिक्स नहीं है, अल्फा इज फिक्स, पी इज फिक्स, बट एक्स वाई इज नॉट फिक्स, एक्स वाई कैन बी एट एनी प्लेस। तो इसको इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे इस तरह से देखते हैं कि हमने एक यहाँ पे ऐसे डाला, ठीक है, एंड फिर हमने एक ऐसे डाला, ऐसे हुआ, और एक हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, एक हमने लाइन ऐसे खींची परपेंडिकुलर, एक इस पे परपेंडिकुलर खींची, एक इस पे खींची, ध्यान दीजिएगा। नाउ दिस इज अल्फा, तो दिस इज अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा, एंगल अल्फा, ये अल्फा, ये 90 एंगल है तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 एंगल है तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए इसमें डिस्टेंस कौन कौन सी है, इसमें डिस्टेंस क्या क्या है, ये डिस्टेंस तो एक्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस तो वाई है। तो अब देखिए इससे x cos alpha क्या हुआ, इसको अगर हम O O B ये C कर दें तो OC क्या हुआ, OC equal to क्या होगा, OC equal to हो, OC equal to क्या होगा, OC equal to क्या है, this OC, OC is equal to x cos alpha, x OC equal to x cos alpha, एंड ये क्या होगा, ये क्या होगा, दिस दिस ये वाई है, ये 90 एंगल है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई साइन अल्फा, ये वाई साइन अल्फा है तो सी बी भी वाई साइन अल्फा हो जाएगा, तो सी बी क्या हो गया, वाई साइन अल्फा हो गया। अब आपको ओसी पता है, सी बी पता है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है पी है, तो पी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस y sin अल्फा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो ये इक्वेशन हो गई कब, जब आपको परपेंडिकुलर की लेंथ पता है, ये पता है परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन हो गई। तो हमने चार तरह की इक्वेशन आज देखी, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लगाइए, कुछ अगर आपको डाउट है तो आपको आप उनसे पूछ सकते हैं, जब आप YouTube के नीचे उसमें मैसेजेस में, उसको भी हम अगले अगले लेक्चर पे कवर कर सकते हैं। थैंक यू।